हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पेटीज। सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा। मैदे में हम नमक डाल देंगे और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, इसको मोयन देने के लिए। आप चाहे तो वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाना है ताकि घर पे बच्चे खा ले, नुकसान ना करे। बाहर का तो ऐसे ही बनता है, जिसे आप डालडा बोलते हैं, क्योंकि अगर बाहर का आप खाते हैं तो जीभ में ऐसे चिपकता है। घर का एकदम बिल्कुल शुद्ध बनता है। अब इसे हम पानी डाल के इसको थोड़ा टाइट डो बना लेंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं अपना आलू का जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू को हमने उबाल के रख दिया है और इसे हम चलते हैं अब छील के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ये देखिए, आलू तैयार हो गया। अब चलते हैं हम इसका मसाला तैयार करने। गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ी सी सौंफ और जीरा डाल देंगे और इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम। भूनने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर, और इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इन सबको भून के अब आलू का हम जो है उबला हुआ आलू डाल देंगे और इसमें हम नमक डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छे से सौंधा सौंधा समाक इसमें आने लगे। आप घर पर ज़रूर बनाइए इसे, क्योंकि बाहर का तो अनहेल्दी होता है, घर का थोड़ा हेल्दी होता है, लेकिन वो भी कभी कभार। अब चलते हैं हम एक घोल तैयार कर लेते हैं, आप सेलरी भी बोल सकते हैं। मैदा ले लेंगे और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल दें, आप घी डाल सकते हैं, और इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। पतला घोल हम इसे बना लेंगे। ये देखिए, हमें इतना ही रखना है ऐसे ही। अब इधर हमारा आटा तैयार हो गया, गीला भी हो गया थोड़ा सा। अब इसे हम हाथों से मसल लेंगे, मसल के थोड़ा चिकना कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसे बेलने और देख सकते हैं इस तरह से हम लोई काट लेंगे। और हम इसे बेल लेंगे इस तरह से, रोटियों की तरह हम इसे बेल लेंगे। हम चार रोटी बना के तैयार कर लेंगे इस, ये देख सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं इसका जो है लेयरिंग बनाने। लेयरिंग के लिए सबसे पहले हम इस पे घोल लगा लेंगे एक रोटी पे, और ऐसे ऐसे हम तीन रोटी पे अप्लाई कर देंगे जो बेल के हमने रखा हुआ है। और उसके बाद एक मोटा सा रोटी की तरह तैयार हो जाएगा और लेयर जो है इसमें निकलने लगेंगे, लेयर बनने लगेंगे। और इसे थोड़ा हाथों से हम इसको दबा के सेट कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अब इसे बेलने। आप चाहें तो थोड़ा सूखा आटा लगा लें। इसे हम जितना चकला है उतना बड़ा हम इस पे बेल लेते हैं, क्योंकि ये मोटा हो जाता है चार रोटी एक तरह से करने के बाद। उसके बाद जो है आप अच्छे से बेल सकते हैं। अब चारों तरफ से हम काट के कॉर्नर निकाल देंगे और इसे चौकोर शेप दे देंगे। अब इसमें हम चार टुकड़े कर लेंगे। वो काफ़ी इजी तरीका है, आप कई तरीके से बना सकते हैं इसको।
अब हम इनको अलग अलग से बेलेंगे। अब हम चलते हैं, इसमें आलू का जो मसाला है उसे भरेंगे और साइड साइड से पानी लगा लगा के इसको हम तिकोना करके चिपका देंगे। स्टफिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप चाहें तो इसे तेल में फ्राई करें, नहीं तो आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कढ़ाई में भी रख के कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चारों पेटीज डालेंगे धीरे धीरे, और इसे हम एकदम धीमी आंच पे करेंगे, तभी ये खस्ता और कुरकुरा होगा। नहीं तो अगर आंच तेज़ कर देंगे तो तुरंत जो है वो हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद तुरंत जो है मुलायम पड़ जाएगा। तो हमें इसे धीमी आंच पे बिल्कुल समोसे की तरह ही फ्राई करना है, बहुत पेशेंस के साथ फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप लेयर कैसे एक दूसरे से निकल रहा है। कभी कभी आप बच्चों के डिमांड पे ज़रूर एक बार बनाइए, हमेशा मत बनाइएगा, नहीं तो नुकसान तो करेगा ही। आई होप कि हमारी ये पेटीज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो आप घर पे ही बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और बहुत शुद्धता के साथ हाइजीनिक बना हुआ है। और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।